साथियों, अभी अभी जौनपुर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई कि जिन दो अभियुक्तों को छोड़ा गया था उन्हें तुरंत 376D के तहत गिरफ्तार गया, उन पर धाराएं बढ़ाई गई जो केवल 302 था उसे 376 किया गया और तीनों अभियुक्तों को अभी हिरासत में ले लिया गया है। और उसके ऊपर जो प्रधान थे प्रधान के ऊपर भी FIR दर्ज हो गया। और अभी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी आपके सामने आप देख रहे हैं इस समय मौजूद हैं। उन्होंने तत्काल भाव से रह करके खड़े होकर के SP CT महोदय और तमाम जितने भी आला अधिकारी थे सबसे बात करके तुरंत धारा में बढ़ोतरी करवाए, बढ़ोतरी करो, इसीलिए अभी तक रुके हुए थे। आप इससे पहले अभी देखे होंगे कि कितना देर पहले लाइव चला था और तब से लग करके अब तक रुके हुए थे, इसलिए कि अभी जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है यहाँ पर जौनपुर में नेहा निषाद के साथ उनको न्याय मिल सके। और बड़ा लंबा आपने देखा होगा इधर जो कुछ भी कार्रवाई हुई पूरा, और अब शोक सभा आयोजित होने जा रहे हैं। शोक संवेदना प्रकट करने जा रहे हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने आप खड़े हो ठीक आ जाओ, पीछे वाले थोड़ा आगे चलो तो कुछ मिलेगा। यहाँ हमारा मोबाइल कहाँ ले घूम रहा है? एक बार बोलो जय निषाद राज। जय निषाद राज। निषाद पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निषाद पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निषाद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जय निषाद राज। जय निषाद राज। डॉक्टर साहब डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन जिंदाबाद जिंदाबाद। आज देखो ये दुख की घड़ी है, खुशी इस बात का है कि आपके इस एकता का परिचय है। और जो लगातार 13 जनवरी 2013 से जो खाद पानी डाल रहे हो निषाद पार्टी का, उस वट वृक्ष का जो शक्ति है उस शक्ति का रिजल्ट है वो पन्ना। ऐसे बहुत नेता देश में हैं, मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ कि उन लोगों ने जो पेड़ लगाया या जो उनके सपने थे किसी न किसी कारण बस धूमिल हो रहे थे और उस सपने को साकार करने के लिए आप सब लोग सामने आए। इसी तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। देश में कोई भी आपके तरफ अन्याय करने के लिए कभी मन में सोचेगा भी नहीं। ये नेहा निषाद का मामला नहीं है, ये उसके सहारे पूरे देश के पूरे समाज की लड़ाई है जी सर। उसमें आप जब आप से एक होने का परिचय दोगे, इम्तहान में पास होगे, तो आज नेहा का है। नेहा कोई हमारी कोई परिचय नहीं था, इस गांव का नाम भी नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानता रहा होगा, लेकिन जिसकी लड़ाई लड़ने के लिए आप पार्टी बनाए हो उस कम्युनिटी की वो थी नहीं सर। और आपने रखा है कि नहीं अब हम न्याय दिलाने के लिए आगे आए हैं, सरकार के साथ आप इसीलिए गए हो कि आपको न्याय मिले, आपको सुरक्षा मिले, आपको सम्मान मिले। रोटी कपड़ा और मकान की बात तो अलग है, मान सम्मान स्वाभिमान हमारा अगर नहीं है तो रोटी कपड़ा मकान लेके क्या करेंगे। इसलिए आज आप लोगों को बधाई है, यहाँ के कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को मैं ढेर सारा बधाई। तो मैं यहाँ के जो मीडिया वाले हैं रंजीत है, कुछ और लोग हैं, कहाँ रंजीत सुभाष भाई आप आइए इधर, तो ये सारे लोगों को बधाई इसलिए दूंगा कि कम मुद्दे को इतना कर दिया कि हमें हम लोगों को या मीडिया के माध्यम अभी हमें मुकदमे लड़ने पड़ेंगे, अभी हमें कचहरी आना पड़ेगा, हमें गवाह रखने पड़ेंगे। अगर निचली अदालत से छूटे तो हमें बड़ी अदालत पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी। मैं यहाँ घोषणा करता हूँ
इंद्रजीत जी जी कि निषाद पार्टी के पैड से जी निषाद पार्टी के बैनर तले जब तक वो सब जेल के सलाखों की बात छोड़ो, जब तक उन्हें फांसी की सजा नहीं दिलवा देते हो तब तक आप देखे होंगे कि कमाल और कमाल ज्ञापन आज 9 दिन से दिए जा रहे हैं है ना, लेकिन पार्टी का पन्ना आज पहला दिन लगा है और देख लो कई घंटे लगा है। इसलिए आपके सामने एक उम्मीद है कि अपने घर को हम लोग आपस दे रहे हैं, हम आपस में मन मुटाव, लेकिन मन में कोई भेद नहीं होना चाहिए। मिलके कोई दिक्कत हो तो तुरंत फोन मिलाओ, नहीं डॉक्टर साहब एक ऐसा हो गया हम आ रहे हैं, ये क्या हो गया, मैं ये सोचता था ये हो गया, आओ आपका घर है, वो मेरा घर नहीं है, वो निषाद पार्टी पब्लिक की है, आओ बनाओ खाओ, खाना बना रहता जाओ खाओ और बैठ के बात करो। एक भी अब कोई काम होता है तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की, एक आत्मा को शांति मिले, हम लोगों की शांति तो तब होगी जब ये अपराधी है, ठीक है ना। अभी और देख लो एकता में दम है कि नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो एक को सीढ़ी नहीं पहुंचे, एक तो सुकून भी नहीं मिला है, तो जब कैबिनेट मंत्री बनोगे एसपी और डीएम खड़ा रहेंगे, बात समझ गए, हो जाओगे तो हाले 10 जिला के सारे अधिकारी तुम्हारे ही वोट में, तो आज ही अपराधी इसलिए बच रहे पता है उनकी ओर से मुख्यमंत्री बने। जीत कर दिखाए यहाँ, अगर उतने विधायक हम बता लें तो साले को फांसी का हम लोग जिंदा सड़क पर फांसी देने लायक निषाद पार्टी पार्टी विधायक हो तो बदतमीजी से पिसाएगा। हम तो सर के राकत में हम लोग बिताने के लिए बस हो जाएगा, वो तो गोपनीय मैटर पर शाम, तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि 2 मिनट के लिए आप निषाद के नाम से देखो, एक कहानी में हर 5 साल बाद जो जीत जाता गले मार जाओ, तुम्हें याद करें मरने के बाद भी जिंदा रहो, ठीक है। वह एक काम है ज्ञान बांटना, ज्ञान मतलब कल्याण के लिए जानकारी लेना, यही दुनिया में सबसे बड़ा काम है, ठीक है। हम कुछ करते नहीं, आपको भी कुछ करना नहीं, जिस ज्ञान से कल्याण हो जाए वही बांटो, ठीक है। हर युग का एक रावण पैदा होता है, कौन जिम्मेदारी लेगा बनाने का, इंद्रजीत जी जी पैसे वाले डीएम को लिखवा के इनका पैसा दिलाओ, अब बाकी मैं बोलता हूँ, बाकी तुम्हारी दूसरी बात करूँगा। एक यहाँ एक सिपाही रहेगा, दिन भर यहाँ रहेगा, जो खाना आप खाना वो उन्हें दे देंगे, ठीक है, ठीक है, आपकी सुरक्षा में 24 घंटे रहेंगे, बाकी आप जहाँ जाएंगे कोई दिक्कत रहा मेरा नंबर नोट कर लो, ठीक है, मेरा नंबर नोट कर दे दो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ इनके पास में सबके पास है, इसी कॉल करो जो न सुने तो फिर हमें बताना, आप आ गए, आप आ गए, बात समझ गए, और चौड़ा हो गया, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है, हम लोग लड़ेंगे, एकदम डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई मान लो गलती से सब निकल गया एमपी साहब से तो उसे उन्होंने देख कर कहा था घर नहीं है, द्वार नहीं है, एसपी से बोल के आए, पर्चा करना यार, हाँ कह दे रहे हैं, आइए ना, हाँ परेशान साथियों, अभी देख रहे थे आप इस समय जौनपुर जिले के किराकत विधानसभा में उस जगह पर हम लोग मौजूद हैं जहां पर
अभी सारा आला अधिकारी मौजूद हैं, एटीएम मौजूद हैं, एसपी मौजूद हैं, एसपी साहब मौजूद हैं और तमाम अधिकारी मौजूद हैं। माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी लगातार बंद करके और जो अभी तक केवल धारा 302 लगी हुई थी उस पर इन्होंने तुरंत 376 डी करवा करके पास्को एक्ट के तहत उस पर धारा में बढ़ोतरी करवाया और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो अभी तक एक था और दो को छोड़ दिया गया था, दोनों को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तीनों गिरफ्तार हो गए और जो प्रधान दोषी है उसके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गया है। अभी आज यहाँ आते और आगे और ढेर सारे लोग जो इसमें संलिप्त हैं, जो भी गुनहगार हैं उन सभी को सजा दिलाने का उसमें पूरा लिखित आ गया है। और इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साहब से बात करने जा रहे हैं कि अभी आप देख सकते हैं इसमें पीड़ित परिवार का मकान नहीं है। आपको मैं दिखा दूं कि एक सामने आपको मड़ई दिख रही है, मड़ई और उसके बगल में कटरैन का एडीएम साहब से इस समय बात कर रहे हैं माननीय डॉक्टर संजय। सारे अधिकारी मौजूद हैं और सुरक्षा भी उनको मुहैया हो गई है। नेहा निषाद के सिपाही हमेशा उनके साथ रहेंगे, सुरक्षा देंगे, सुरक्षा की गारंटी मिल गई है। एक सुरक्षा कर्मी हमेशा उनके साथ रहेंगे और ये सभी निषाद पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। जो यह सुन करके आप देख सकते हैं पीछे इस समय एडीएम साहब की गाड़ी मौजूद है, एडीएम साहब की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर लगातार बने हुए हैं माननीय निषाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, निषाद पार्टी प्रांतीय अध्यक्ष, निषाद पार्टी और तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। अभी आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी खड़े हैं और नौजवानों में एक जबरदस्त उत्साह, जोश, जुनून कि कितना जोश के साथ, कितने जुनून के साथ, कितने उत्साह के साथ ये कार्यकर्ता लगे हुए हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पा करके। और सबसे बड़ी खुशी उनको ये हो रही है कि आज पहली बार जब यहाँ पर पहुँचे माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, अभी तक तो जो लोग आकर के राजनीति कर रहे थे वो केवल से तुरंत कार्यवाही शुरू हो गई और सभी गुनहगारों को सजा मिलना शुरू हो गया है। तुरंत उचित जो अभी तक मांग उठ रही थी उस पर कार्यवाही होनी शुरू हो गई। ये देख सकते हैं आप ये नौजवान साथी जो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं अपने जिले से कार्यकर्ता चले आए हैं, पदाधिकारी चले आए हैं, सक्रिय कार्यकर्ता पदाधिकारी चले आए हैं। इसमें आप देख सकते हैं और अभी हम सभी लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं बनारस की टीम हमारे साथ लगी हुई है, निषाद पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष बाबूराम निषाद जी उधर बगल में नोचा टांगे हुए खड़े हुए हैं। ये पूरी युवा टीम लगी हुई है इस समय और सभी के सभी आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं और यहाँ तक कि अधिकारी भी बड़े खुश हैं कि बिना तांडव मचाए और सारे काम हो गए। अधिकारी भी खुश हैं क्योंकि उनको भी पता है कि ऐसा कोई नेता चाहिए था कि जो बेबाक अंदाज में अपनी बात को रखे और कार्रवाई को आगे बढ़ाई जा सके। और उसी प्रकार से यहाँ के लोगों में खुशी की लहर छाई हुई है कि उन्होंने जो देखा था, जो सोचा था कि निषाद समाज के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है और इस अत्याचार को कोई दबाने वाला नहीं, इस अत्याचार पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं ये सिंहासन निषाद जो मान्यवर साहब की गाड़ी चलाते हैं, अभी आप मान्यवर साहब गाड़ी में बैठ चुके हैं। साथियों आप सभी को एक बार पुनः मैं बता दूं कि यहां पर आगे की अभी और लड़ाई है और उस लड़ाई में शरीक होने के लिए मान्यवर डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने सबसे आह्वान किया है।
कि सभी लोग लड़ाई में सक्रिय हों, और अब कहीं से भी कोई भी अगर घटना होती है तो सबसे पहले जानकारी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को देना होगा कि उनके संज्ञान में वह मामला आना चाहिए। और अब समाज के ऊपर अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, अगर वो गुनाहगार है तो उसे सजा दिलाने का कार्य निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। और पूरे सभी कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। हाँ, अभी देखिए अब आगे कहाँ रुकते हैं, अभी जैसा रहेगा फिर बताएंगे। अभी इस समय मैं गाड़ी में आ करके बैठ गया हूँ। अभी आप देख सकते हैं मलका निषाद जी और गोरखपुर जिला के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र निषाद जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम सभी लोग एक साथ में यहाँ पर आए हुए हैं, और आप देख सकते हैं हमारे सुग्रीव भैया जो पायलट हैं हमारी गाड़ी के और राष्ट्रीय संरक्षक निषाद जी आगे बैठे हुए हैं गाड़ी में। अध्यक्ष बाबूराम निषाद जी भी यहीं आने वाले हैं। हमारा एक युवा साथी आजमगढ़ से अंगद निषाद वो भी अभी बैठे हुए हैं गाड़ी में। आप सभी चलिए चलिए ठीक। जय निषाद राज। चलिए अच्छा, सभी लोगों को जय निषाद राज। चलिए ठीक। जय निषाद राज। जय आईआर की कॉपी भी आपको फेसबुक के माध्यम से पहुंचाऊंगा, आप सभी लोग उसमें पढ़ेंगे जो आज तत्काल में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के आने के बाद जो धाराएं बढ़ाई गई हैं, जो अभियुक्तों को नामजद करके 376 डी और पास्को एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई, और जो प्रधान संलिप्त रहा है उसको या उसके ऊपर FIR दर्ज हुआ, और उनके साथ जो तमाम लोग जिन्होंने साक्ष्य मिटाने का काम किया है उन सभी के ऊपर FIR दर्ज करने का उसमें पूरा दाखिल हो गया है। मैं SDM महोदय आश्वासन दे करके आ रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी को कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को मकान भी दिया जाए, और SP महोदय ने बता दिया कि जल्द से जल्द मिलेगा और जितने भी अभियुक्त हैं उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथियों, अब इसी के साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूं, ये वही जंगल है घर के बगल में ही, जहां पर उस घर से महज 75 मीटर ही रहा होगा वो जगह, जहाँ पर अभी मैं जा करके देखा हूँ, उतनी ही दूरी पे रात में उठा करके दरिंदे लेकर के गए थे जिन्होंने उस नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया और गैंग रेप, उसके बाद फिर गला घोट करके मार भी दिया। ये वही जंगल है घर के बगल में, ये जंगल है घर, आप देखे हैं अभी कि घर कैसा है, और घर के बगल में ये जंगल है, और इसी जंगल में घटना घटित हुई है। तो साथियों, आपके साथ कहीं भी अगर अत्याचार होता है तो एक बार निषाद पार्टी के संज्ञान में जरूर लाएं, लड़ाई लड़ेगी, आपको न्याय दिलाएगी, आपके हक हिस्से की लड़ाई अब तक लड़ रही है तो आपको न्याय भी दिलाने का काम निषाद पार्टी करेगी, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, एक स्कॉर्ट गाड़ी, एक SDM साहब की गाड़ी और तमाम तेज हार्नमैन के गाड़ियां अभी चल रही हैं आगे आगे, गाड़ियां जा रही हैं, और ये निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की तमाम गाड़ियां इस समय यहां पर मौजूद हैं। डाउन कर दीजिए अध्यक्ष जी। जैन चलिए, जैन निषाद राज। जैन निषाद राज, चलिए जैन निषाद राज। अरे साहब ठीक, जैन जैन निषाद राज। चलो पोस्ट वोस्ट ठीक ठाक है।
घर अपन है, या अपन घर, अपने घर के जितना मजबूत करवा उतने शक्ति चलो जय निषाद रहा निकल चले ना। हाँ हाँ चलिए, आगे आगे गाड़ी चल रही है। ठीक 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 जय निषाद रहा। चपल रहा झूठा चढ़ा रहा है, आप एक गाड़ी स्कर्ट पीछे भी देख रहे हैं, एटीएम की भी गाड़ी इस समय मौजूद है, आगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हट जाए सटाक लिख चला गाड़ी चलिए। इसी के साथ साथियों आप सभी को जय निषाद राज, जो इतने देख रहे हैं और पल पल की खबर आपको सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आपको मिली कि इस लड़की के साथ जो अभी तक केवल हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था और एक तरह से इतना होने के बाद भी उसके साथ न्याय नहीं था कि उसके दोषियों को सजा नहीं मिल पा रही कि उनको तुरंत कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई के तहत पास्को एक्ट के तहत धारा 376 उसमें धारा 376 डी उसमें बढ़ाया गया है और बढ़ाने के बाद जो अन्य अभियुक्त थे अभी तक एक ही केवल था कि 302 का मुकदमा उस पर दर्ज था, केवल एक ही बाकी जो दो बाहर थे उनको भी तत्काल प्रभाव से पकड़ करके जेलों में डाला गया और उनके ऊपर भी 376 डी पास्को एक्ट और 302 का मुकदमा उसके साथ और तमाम धाराएं लगा करके उसको जेल में डाला गया। उसके साथ ही जो प्रधान साक्ष्य मिटाने का काम कर रहा था उसको भी जेलों में डाल दिया, उसको भी पकड़ने का आदेश हो गया, FIR उसके नाम पर दर्ज हो गई है और तमाम जो लोग उसमें शामिल थे उन सभी को अब ढूंढ रही है पुलिस, उन सभी को जेल में डालेगी और असली जो गुनहगार हैं जो जो सजा देने का काम करेगी। इसी के साथ निषाद पार्टी जो आज यहाँ पर आई और अपने मछुआ समुदाय की एक बेटी के साथ जो अन्याय हो रहा था उसको न्याय दिलाने में एक कदम आगे चली, एक सीढ़ी पार की और आगे की लड़ाई लड़ने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी वादा किया कि कहीं से भी अगर लोअर कोर्ट में उनको जमानत मिलती है तो हम लोग अपर कोर्ट में जाएंगे, उससे अपर कोर्ट में जाएंगे, लेकिन दोषियों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ आप सभी को जय निषाद राज, जय निषाद राज, निषाद पार्टी जिंदाबाद, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, जय निषाद राज साथियों, जय निषाद, जय निषाद।